बाएं हाथ से खेलना अब्दुल जब्बार की मजबूरी है, लेकिन ये एक हाथ अब दोनों हाथों के बराबर ताकत लगाने का आदी हो चुका है। बचपन में हुए ट्रैफिक हादसे में जब्बार की माजूरी भी इसके क्रिकेट जुनून को कम ना कर सकी। 33 साल की उम्र में पाकिस्तान डिसेबल टीम का हिस्सा बनते बनते इसे आम क्रिकेटर से दुगनी मेहनत और इंतजार करना पड़ा। मेरा कंपटीशन है कि मुझे काफी अरसे बाहर बैठना पड़ा, चांस नहीं मिलता था। तो मतलब इतनी करने के बाद, एफर्ट करने के बाद मैं इतना आगे आया। लेग स्पिन बॉलिंग करने वाले जब्बार का बेस्ट रिकॉर्ड 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करना है। अच्छी लाइन लेंथ के साथ नपी तुली बॉल कराने के पीछे कई सालों की प्रैक्टिस का हाथ है। 3 साल हुए जब बाहर गए हुए, और जब ये आया था तो बहुत नॉर्मल सा क्रिकेटर था, लेकिन आज जो है मैं बता रहा हूँ कि आज ये लड़का हमारी कराची की टीम में सेकंड बॉलर बन गया है, मैच लीडिंग बॉलर है। फील्डिंग के शोबे में भी जब्बार न सिर्फ डिसेबल्स के लिए बल्कि आम क्रिकेटर्स के लिए भी एक मिसाल है। जैसे मैंने एक कैच लिया था तो वो बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाने के बजाय उस मैंने जो कैच लिया था ना, वो मुझे आगे उसने गले लगाया। हालांकि बैन अलाक्वामी सतह पर डिसेबल क्रिकेट का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, अलबत्त ICC ब्लाइंड क्रिकेट की तरह डिसेबल क्रिकेट का पैटर्न मुतारफ कराने में भी दिलचस्पी रखती है। पाकिस्तान के साथ ICC की बेरुखी और खुद PCB में बेजाबतियाँ अपनी जगह, लेकिन जब्बार जैसे खिलाड़ियों को देखकर एक बात तो तय है कि क्रिकेट पाकिस्तानियों की रग रग में बसी हुई है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ एहसान अहमद, जियो न्यूज़ कराची।